शांति। कई बार ये भी प्रश्न होता है कि हमें सम्मान नहीं मिलता है, तो हमें सम्मान नहीं मिलता क्योंकि हम दे नहीं रहे। अगर हम देंगे तो हमें वो प्राप्त होगा। जैसे बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, बच्चों को सदा आगे रखा, पहले आप मम्मा के लिए कहते थे और भी भाई बहनों के लिए उस समय जो थे, ये मेरे से भी अच्छे पुरुषार्थ थे, मेरे से भी आगे, मेरे से भी अच्छा भाषण करते। तो बाबा को कभी ये नहीं लगता था कि मैं ऐसा कहने से कोई पीछे हो जाऊंगा। तो जिसके अंदर जो विशेषता है उसकी अगर हम प्रशंसा करते हैं, उन्हें हम आगे रखते हैं, उनको मान देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमने नम्रता धारण की तो हम कोई पीछे होंगे। आगे रखने वाला सदा ही आगे बढ़ता है, इसीलिए देखो ब्रह्मा बाबा नंबर वन ही रहे, नंबर टू हुए क्या, भले ही बाबा ने सदा बच्चों को आगे रखा। और जो नम्र है वो निर्माण करता है, नम्रता से ही सेवा होती है, जो सेवा कार्य में उनका विशेष गुण होता है निर्माणता। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सदा अपने आप को, मैं बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, सदा ही अपने को सर्वेंट करा। हालांकि ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव बाबा के वो रथ थे, भगवान के रथ होना कितनी गर्व की बात है, तो थोड़ा बहुत अहम हो सकता था, थोड़ा बहुत अहम तो रख सकते हैं ना, जब इतनी इतनी बड़ी इतनी ऊंची हस्ती उसके। यहाँ भी दुनिया में भी किसी को थोड़ी बहुत भी प्राप्ति होती है तो कितना नशा होता है उनको कि हम इतने ऊंचे पद पर काम कर रहे हैं, हम इतने धनवान हैं या हम इतने संपत्तिवान हैं, तो उसका थोड़ा आनंद नशा अलग ही दिखाई देता है, उनकी चाल वो चाल थोड़ी अलग होती है। तो ब्रह्मा बाबा भी रख सकते थे ना, बाबा भी कोई कम धनवान नहीं थे, कोई कम प्रतिष्ठित नहीं थे, और फिर भगवान ने उनके तज में प्रवेश किया, लेकिन फिर भी सदा सदा निर्माण, सदा सेवाकारी महाभियान। तो जब भी हम संगठन में आदि हैं, निर्माणता का गुण सदा हमारे अंदर, वही सुख देने वाला गुण है। निर्माणता से ही हम सबको सुख देते हैं, सुखदायी कर जाते हैं सभी के लिए, उसी से मधुरता आती है, उसी से जो हमारे बोल होते हैं वो लोगों में उमंग करने वाले, हिम्मत देने वाले, उनकी आशा को बढ़ाने वाले, उत्साह देने वाले होते हैं। और नहीं तो जो अहंकारी होता है उसके बोल कैसे होते हैं, सदा ही किसी ना किसी तरह से किसी को ऐसा कड़वा वचन बोल देंगे, कोई ऐसी बात कह देंगे जिससे उसके मन की स्थिति खराब हो जाए, जैसे कहा क्रिटिसाइज कर देंगे किसी की बात को लेकर के, तो ऐसे बोल। तो इन जो गुणों को पावन संगठन में हम स्मृति में रखें, इसके स्मृति स्वरूप बने, तो फिर संगठन में रहते हुए सबके साथ रहते हुए भी न्यारे और प्यारे रहेंगे। और न्यारे प्यारे रहना ही कमल पुष्प समान रहना ही कर्म योगी स्थिति बनाना है। ओम शांति।